घर की ग्रोसरी की कुछ चीजें देखनी है। ये जो स्टीमर है सब में से सबसे अच्छे वाला कौन सा है? सबसे अच्छी बेटर क्वालिटी का भी है, सबसे अच्छा महंगा भी होगा। मैंने कि हीटर चलवाया, इसकी हीट चेक कर रही हूँ। ये देखो पूरा ऐसे घूमता है। हम लोगों ने जाना है घूमने फिरने में, तो बताओ यार कुछ सजेशंस दो। हम जाएंगे मलेशिया। मैं मलेशिया नहीं गया, मैंने सुना बहुत अच्छा है। मालदीव सॉरी मैंने सोचा लाजमी जाना है। मैं तो कह रहा हूँ नथिया के लिए चलते हैं, मरी चलते हैं, और भी साथ चले जाएंगे। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अरीब विद हिज मॉम जो मैंने बनाई थी। मेरी जान थी मेरी मॉम। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। इकरा कंवल, वेलकम टू द व्लॉग, वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। आज का मेरा दिन शुरू हो चुका है, बहुत अच्छा, बहुत हसीन, बहुत जमील, बहुत शकील। अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने अपनी सलामियों की और अपने गिफ्ट्स की थी अनबॉक्सिंग, और उसपे आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था। खैर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कॉमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज चूंकि हमने अपनी रूटीन पे वापस आना है, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी इवेंट्स के साथ, इस हिसाब से आप शूट भी चल रहे थे, व्लॉग्स भी चल रहे थे, पोस्टिंग भी हो रही थी, शादी भी चल रही थी, तो एक अलग ही थकावट एक अलग सी थी। तो जिसकी वजह से हमने मोस्टली लोगों को कहा, क्योंकि दावतों की भी कॉल्स आई थी रिलेटिव्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से कि दावतों पे आना है आप लोगों ने, तो वो हमने सबको खैर अभी तो कहा है कि हम बहुत थके हुए हैं तो मना कर दिया। जब जैसे ही हम थोड़े ट्रेवल श्रेवल कर रहे हैं, कुछ ईजी हो रहा है, तो फिर हम लोग दावतों के साइड पर जाएंगे। तो आज चूंकि मुझे अभी घर पे यहाँ रहना है, तो कुछ एसेंशियल्स, कुछ चीजें जैसे कि मुझे डिस्पेंसर चाहिए, हम लोगों ने अपने किचन के लिए कुछ चीजें देखनी है, और अपने घर की ग्रोसरी की कुछ चीजें देखनी है, वॉशरूम के लिए कुछ चीजें देखनी है, तो वो चीजें देखने के लिए भी मैंने प्लान बनाया कि मैं जाऊंगी, और अरीब की सिस्टर एंड अरीब साहब सब ये लोग नीचे मेरा वेट कर रहे हैं, और साथ में हम आज प्लानिंग करेंगे कि हम लोगों ने जहाँ ट्रैवल करना है शादी के बाद, मैंने और अरीब ने, क्योंकि हम इतने थक गए थे, नाउ वी नीड टू रिलैक्स एंड ट्रैवल एंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। तो वो हनीमून के लिए जो भी हम लोगों ने चीजें डिसाइड करनी होंगी वो करेंगे आज। अभी फिलहाल निकलते हैं। चले जी, अब हम लोग जाने लगे हैं, निकलने लगे हैं शॉपिंग के लिए। यस दीप साहब की भी अभी तक थकावट नहीं उतरी है ना? तबीयत खराब हो रही है ना, फ्लू हो रहा है मुझे भी। हम सब लोग अब बस गाड़ी में बैठ गए हैं, अब निकलते हैं, जहाँ से हमने शॉपिंग करनी है वहाँ चलते हैं। चलें जी गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए, और यहाँ पे देखें, ये देखें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इतना सारा वो है, क्या क्या सुपरमार्केट है, हाउस होल्ड है, क्रॉकरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और नीचे जी टॉयज और स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, एक टाइम होता था सिर्फ स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक में जाती थी सुकून से, और अब हाउस होल्ड मतलब क्रॉकरी, मैच्योर हो रही हो, लाइफ में आगे बढ़ रही हो। हम लोग जाते हैं और देखते हैं मैं क्या क्या खरीदारी करके लाती हूँ। ठीक है, चने जी हमने मैट शर्ट खरीदे हैं, और इसको देखो जरा कैसे लगी हुई शॉपिंग करने, अपने साथ की मैच करके उसने ट्रॉली निकाली है, और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। अरीब मुझे बताएं कि कौन से मैट लें, क्योंकि हमारे ना वो साइड टेबल है ना बेड की, वो नहीं तो उसके ऊपर पानी की, ब्लैक कलर की है ना, हाँ ब्लैक कलर का मैट ले लो। नहीं गोल्डन कॉम्बो, कॉम्बो इतना सी रोलर्स है ना, ये अच्छे लगेंगे थोड़े से। चलो सही, ऐसे ये ले लेती हूँ। अच्छा बताएं इनमें से सबसे इस्त्री अच्छी कौन सी है, एक फिर हम ये कर ले। अच्छा इसमें स्टीम भी होगी और वो चीजें भी होगी, ड्राई भी होगी। स्टीम अगर आपने यूज करनी है तो ड्राई इसको ऑफ करके आप यूज कर सकते हैं, ड्राई को ऑफ करके यूज कर सकते हैं। और जो ये जो स्टीमर है, इन सब में से सबसे अच्छे वाला कौन सा है? इन सब में से वैसे डिफॉल्ट ज्यादा बेटर है, ये अच्छा है, इसमें आपको कंप्लेंट नहीं मिलेगी। दूसरी चीज ये कि आप सबसे अच्छी बेटर क्वालिटी का भी है, सबसे अच्छा महंगा भी होगा। ठीक है, बस आप फिर ये वाला, ये ब्लैक वाला। अरे ये घर के साथ मैच हो रहा है, हम स्त्रियाँ मैच करते हुए ये वाला एक करते हैं। स्त्री एंड स्टीमर दोनों हो गए, स्पीकर भी ले लेते हैं ये टीवी के साथ। अरे भी इतने बड़े बग्गे बग्गे नहीं लेने, वो अच्छे हैं, ये बग्गे बिल्ले नहीं लेने। देखे उसकी वो देखे शक्ल से डरा रहे हैं कितना। अभी वैसे ले लेंगे, अभी सोचते हैं लेने के। हाँ लेकिन मैं बताऊँ आपको, ये वाला ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, डिसाइड करते हैं। हाँ इन दोनों में से ना ये ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। हम लोगों ने ना हीटर चाहिए, और मैंने ये हीटर चलवाया, इसकी हीट चेक कर रही हूँ। हीटर की हाँ जी, क्यों यार घर से मैच हो रहा है, देखो तो इधर ना 500 चीजें मैच हो रही है घर के साथ, वो 500 चीजें लोगी तुम नहीं ना, जो जरूरत पहले मेरे साथ मैचिंग होती थी, अब घर के साथ मैचिंग शुरू हो गई है। ये चाहिए ना, ये हो रही है मैचिंग। ये अरे बच्चा ये ले लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आधा स्टोर खरीद लिया। तोबा 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 तोबा, आधा स्टोर आपका मैं खरीद के जा रही हूँ। अगर 2 मिनट और रुकती तो तुमने पूरा खरीद लिया। मैं मालिक होती यहाँ की, है ना, हमने ले लिए यहाँ से तकरीबन सारी चीजें ले लिए, सारी। हाँ जी, सलामी इस बंदी ने यहीं पे खर्च कर दी है। अरे आधी नहीं पौनी नहीं आधी आधी नहीं। अल्लाह माफ करे, इतना महंगा सामान ये तुम्हें मैं तो नहीं लेके आया इंदा ग्रोसरी करने। हो मैं तो खुद आई हूँ, अपनी चीजें लेने आई हूँ। दी नहीं है जहाँ जाती ये भी मैचिंग है, ये भी मैचिंग है, ये भी मैचिंग है, ये भी मैचिंग है। मैचिंग की जगह में सब कुछ लेके जा रही है मैचिंग। अब मेरे से मैच होता हुआ हस्बैंड नहीं ले आई। सारा सामान अब गाड़ी के अंदर हमने फिट करना, पता नहीं आता कि नहीं आ जाएगा सामान पूरा कि नहीं। तीनों ने इकट्ठे बोला इंशाल्लाह सर आ जाएगा। ओके जी मैं हो चुकी थी फ्री, अब हम लोग आ गए हैं घर। काम करवा रही हूँ अरीब से, मैं हो गई थी फ्री और अरीब जो है वो जस्ट शॉपिंग करके लाई हूँ, वो वापस जा रहा है। मेरे लिए इतना मुश्किल है ना, इतनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ, अपने बैग्स शैग्स और चीजें भी काफी कुछ लेकर आई। थक गई हूँ मैं, बहुत थक गई हूँ सीरियसली, सामान ले लेके थक गई हूँ। घर के अंदर सामान रखते हैं और फिर बाकी का जो भी प्लान होगा आपको दिखाएंगे। भी फिलहाल आई नीड रेस्ट, मुझको रेस्ट चाहिए। ये जरा चेक करें गाइज, मेरा सारा सामान मेरे पोर्शन में आ गया जो शॉपिंग शॉपिंग करके लाई हूँ। ठीक है, और इधर देखो इसको जरा। हाँ जी ये देखिए क्या बना हुआ है। इसको बैलून वाले कमरे में लेके चले। ये देखो जरा, ये हमारे पास ही रहता है, इसके लिए स्पेशल कमरा बनाया हुआ, आपको दिखाते हैं। ये देखें अभी आप इसकी दौड़ देखेगा, पकड़ लो पकड़ लो। ये इसका स्पेशल रूम है, ये हमने इसके लिए बना दिया, यहाँ पे ये खेलता है। ओ हमने सोचा है पूरे रूम को बलून से भर देना। हाँ जब बच्चा है, बच्चों बच्चे क्या कर रहे हैं, काटो से पकड़। ये देखो पूरा ऐसे घूमता है, थोड़ा चेक करो जरा उसकी, ये देखना पूरा घूमेगा। अरीब अब ना मम्मा की तरफ चलते हैं। क्यों? मैंने ना कुछ सामान देना है और दूसरा कितने साल में ट्रांसफर होगा, मैंने देना है कुछ लेना है। जी बेबी मैंने कुछ सामान देना है, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आए हैं तो अम्मा की तरफ चलते हैं। आज तो हमने प्लानिंग भी कर ली थी। हाँ तो वो भी उनसे वहाँ जाके डिस्कस करते हैं। झूठ बोल रही है, इसका मामा की याद आ रही है मुझे, गई थी मुझे मामा से मिला लो। सीरियसली मुझे मामा की याद आ रही थी भाई, यार मैं पूरा दिन उनके बगैर मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, वरना होता मैं रात को आती उनसे मिलती हूँ, अभी मैं मिल नहीं रही। तो मैंने इसलिए अरीब को कहा कुछ सामान वगैरह मैंने देना है, मुझे लेके जाओ अम्मा की तरफ। तो बस मैं निकल गई। अरे मेरी बात सुने, ये वाला सामान ये नीचे ले जाएंगे, ये वाला सामान भी लेके जा रहा हूँ, ये लड्डू सामान भी है, मैं बाकी का खुद लेकर आती हूँ, अपना बैग शैग ले आओ। चले जी सामान वगैरह जो मैंने ड्रॉप करना था वो मैंने रख लिया, अब हम जा रहे हैं मम्मी की तरफ। मम्मी की तरफ ड्रामेबाज करती है, मुझे कोई काम ऐसा अच्छी नहीं बता रही है, याद आ रही है, सुबह कह रही थी मुझे याद आ रही है। हाँ तो आ रही है याद। मैं अब उठती हूँ ना तो मुझे मतलब सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना अभी मैं मुझे आदत नहीं है, मैं थोड़ा सा मतलब मिस करती हूँ, छोटा छोटा काका हूँ ना मैं, थोड़ा मिस करता हूँ। तो करती है ना मैं, मुझे आदत है शुरू से रहने की उस तरह के, मैं आती थी नाश्ता करती थी सब, यहाँ पे भी सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनकी वो चीज़ें ज़्यादा ज़रा मिस कर रही थी। मम्मी अब मुझे पता कितनी दिन में कॉल्स करती हूँ, 50 कॉल्स। मेरी माँ मुझे दिन की 50 कॉल्स करती है, मैं कभी क्या कर रही हो, फिर कॉल करेंगी क्या कर रही हो, फिर कॉल करेंगी अच्छा कहाँ निकली हुई हो, आना नहीं था, अभी मैं कल होके आई हूँ, अभी अभी ये स्टार्ट हुआ है, तो मैंने कहा मैं अभी चक्कर लगाऊंगी, तो इसलिए मैंने कहा मैं जा रही हूँ। मैंने अरीब को कहा मैंने कुछ चीज़ें भी पकड़ानी है और प्लानिंग भी करनी है, प्लानिंग भी सजेशंस लेने हैं। यस कि कौन से कंट्री में जाया जाए, किधर क्या क्या है क्या है। मुझे तो अब जाहिर है इतनी इस्लामिया गड्डी करनी है, अब लगानी नहीं है। अच्छा जो कुछ भी हम करेंगे हाँ, लेकिन हम जो एंड करेंगे ना वो उम्रा करके आएंगे इंशाल्लाह। वो तो हमारा प्लान है कि हम लोगों ने अपना जो स्टार्ट करना है ना हनीमून का टूर, उसको स्टार्ट करते करते जो एंड होएगा वो हम उम्रा लाजमी करके फिर पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह। लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरीब की टेंट करवानी है, मैंने टेंट करवानी है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये लाजिम है, पहले उम्रे पे आपको जो टेंट है ना वो लाजिम है, तो फिर मैंने टेंट भी करवानी है, तो इसलिए हमने उसको एंड पे रखा है ताकि वहाँ से सीधा। और वैसे भी दूसरा मसला ये भी है कि हम लोगों ने ना खजूर और पानी वहाँ से लेके फिर हम सोच रहे थे डायरेक्ट आए, वहाँ लेके कहाँ घूमते रहेंगे, वो खराब भी हो जाती है इस तरह से चीजें ना, तो वो लेके हमने लाजमी करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे उम्रा करने की, तो हम उम्रा करके आएंगे। बाकी अब हम डिसाइड करेंगे हमने कहाँ जाना कैसे कहाँ जाना क्या जाना, लेकिन उम्रा हमारा डिसाइड हो चुका है, उम्रा तो डिसाइड ही करना हाँ। वो तो लाजिम है, लाजिम है। चले जी अब चलते हैं अम्मा की तरफ और वहाँ जाके सूरत हाल दिखाते हैं। लास्ट मैं पहुँच चुकी हूँ घर, अपने घर अपने घर पहुँच गए हैं। यस ये अपनी मामा के घर, अपने घर, मेरे दो घर हैं, एक मेरा घर है एक दूसरा भी मेरा घर है, मैं हूँ साथ में, मेरे साथ में भी मैं हूँ। अलग ही खुशी हो रही है यार एंटर होने की। यार डाल देती हूँ। और अरीब साहब वो सामान लेके आ रहे हैं जो मैंने जमा किया हुआ था। लोगों ने कहना बोझ आ जाती है हाँ। तंग करने हमें। अच्छा हाँ। नहीं कहते हाँ। देखें जरा मेरी मम्मी आई है और मम्मी यार फिर किचन में पाई जा रही है। यार कहीं और पाई जाया करें। तू रहे या ना रहे मैं किचन चाहिए। मैं पहुंची हूँ यहाँ 11 बजे। राबे मैडम सोच रही है मानो ये क्या है, मानो को पता ही नहीं है कि मैं आई हूँ। मानो इज बिहेविंग लाइक नॉर्मल। तुम्हें लगता ही नहीं है कि मैं गई हूँ। मानो मुझे कह रही है मुझे पता ही नहीं लगा कि आप आई हो। अब इसको पता ही लगना। और ये सो रही है क्या? ये देख नहीं सो रही है क्यों? ये क्या लग गया भाई? मेरे जाने के बाद टाइमर लग गया यार प्रॉपर घर पे। टाइम पे उठना टाइम पे सोना। आए थे हम सजेशन लेंगे आप लोगों से कि हनीमून का बताएं हम कहाँ जाएं। आज क्या करें हम सुस्त हो गए। तुम लोग हम होते थे कितने एक्टिव थे। अभी देखे सब उफ अल्लाह मियाँ। चलो बैठ जाके बैठते हैं तब तक। जी यहाँ पे हम लोग जब आए अपने घर पे तो अब मिला आज मम्मी दूध सोडा। ये देखो मम्मी दूध सोडा। और हीरा भी आ चुकी है। तुम्हें क्यों मिलेगा, तुम यही रहती हो। चलो तुम्हारा प्रोटोकॉल मिली जा रहा है बेवजूल का। अच्छा, रोज आती हूँ रोज आई होती हूँ रोज। याद कहती है मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। मैंने कहा तीसरे तक अम्मी की घर लेके जाना है। 4 घंटे खेलती है उसके साथ जुहान के साथ। जब थक जाती है तो फिर मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि अभी आज सच घर में कुछ रेडी शेडी भी नहीं किया हुआ। आज सामान लेकर आई हूँ कल उसके आरे लगूंगी। नहीं अभी तो हम लोगों ने प्लानिंग करनी है अपनी चीजों की। मैं तो कहता हूँ मम्मा को ले जाया करो, मम्मा की आउटिंग हो जाएगी। वैसे याद आ रही है हाँ, हम भी आ जाएंगे। एक दिन जिसको याद आता है हमेशा वो चल के आता है और मैं चल के आई हूँ। हाँ चूल्हा मेरा चलता नहीं। कल बिरयानी बनी थी इकरा के लिए स्पेशल हाँ। और वो अरीब की सिस्टर ने बनाई थी। उफ बहुत मजे की। अब तो एक बार भी नहीं हीरा भी तेरे लिए नाश्ता लेगी, फातिमा भी लेगी, राबिया का रहेगा। वो एक दिन हमने आना सरप्राइज करना। समझ रहे हो समझ रहे हो। एक दिन नाश्ता में तुम्हारी फेवरेट चीज होगी तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या है। अच्छा कुछ फेवरेट है उसका क्या? वो खुद ही देखना। आलू की टिक्कियाँ यही मुझे पता। जो तुम्हें पता चलता जाएगा। मैंने नहीं टिक्कियाँ तो बिल्कुल नहीं पसंद। प्लीज वही ले आना क्योंकि मुझे पसंद है। सोडा खत्म करते हैं फिर करते हैं बाकी की बातें। हम लोगों ने जाना है घूमने फिरने। मैंने दूध सोडा पी लिया। तो बताओ यार कुछ सजेशंस दो कहाँ जाया जाए क्या किया। तुम आ गई हो ढांचे की दुकान आई हाई। तुम क्या अमेरिका चले जाओ और आप हाँ आई मम्मा गई तभी नहीं तो वो तो मामा जाएंगे। न्यू ईयर का क्या प्लान है? न्यू ईयर दुबई करेंगे हाँ। उसके बाद बताओ क्या करना है। मैंने तो सोचा कि कोई 5 मुल्क है। मुझे अच्छे अच्छे मुल्क बताओ। टर्की भी अच्छा है। नहीं वैसे मैंने मुल्क घूमने हैं। मुझे ये ना पता लगे मरी लेके जा रहे हो तुम। मैं तो कह रहा हूँ नथिया गली चलते हैं मरी चलते हैं साथ चले जाएंगे। परफेक्ट ठीक है। नथिया नहीं मम्मा यार नथिया गली तो निकाह हुआ है उधर तो गई हुई हूँ मैं पहले। यहाँ वहाँ नहीं वहाँ जाते हैं जहाँ पहले नहीं गए हुए। पहले गई कहाँ पे हुई हो तुम? सिर्फ दुबई। तो बताओ ना फिर मुझे क्या पता हाँ मालदीव। सॉरी मैंने सोचा हुआ लाजमी जाना। वो मेरी बहन ने भी कह दिया एक मालदीव हो गया ठीक है। दुबई मालदीव आई ग्रीस। यार पता है मुझे कितना पसंद है। आपको पता है मुझे ये मालदीव इस साइड पे है ग्रीस इस साइड पे है। ये वो यूरोप का वीजा लगना नहीं इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है नहीं। दुबई उसके बाद मालदीव्स और फिर और कौन कौन से कंट्रीज आते हैं आई बाकू भी एक कंट्री। अजरबैजान है ना? अजरबैजान बाकू नहीं जाना। बाली अच्छा है बाली इंडोनेशिया ना इंडोनेशिया हाँ वो अच्छा है। वो अरीब एक वो इंडोनेशिया हाँ ठीक है। 2 हो गए 2 नहीं हुए 3 हाँ। न्यू ईयर पे जाओगे और इन्हीं मुल्कों में घूमकर आओगे हाँ। प्लान तो यही बना रहे हैं। तुम क्यों चल रही हो? इतना सारा सामान कहाँ से लेके आओगे? शॉपिंग सारी हम लोग वहाँ जाके करेंगे। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं सोचा। या आप हाँ कोई हेल्पर चाहिए तो वहाँ वैसे मुझे जरूरत है एक हेल्पर की। मैं अवेलेबल हूँ। ये अरीब वैसे एक मेरी हाँ। मर्जी का होगा जहाँ मैं चाहता हूँ हाँ। हम जाएंगे मलेशिया। मैं मलेशिया हाँ। नहीं गया मैंने सुना वो अच्छा है। शॉपिंग 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 एक मानो की मर्जी का एक सिंगापुर हो गया। तो मानो कौन सा जा रही है मानो मानो हीटर के आगे पाँव सेक रही है। वीडियो करेंगे ना, ज़ैनब को वीडियो करके दिखाएंगे ना, वीडियो कॉल पे ये देखो ये सिंगापुर यहाँ पे ये है ये, ठीक है ठीक है। मानो मानो ने कहना आप की मैं सिंगापुर से होके, इन लोगों ने कहना कहाँ है पिक्चर, वो आप ही के साथ वीडियो कॉल पे थी। सब बताओ भी कौन सी कंट्री। अच्छा और कौन से कंट्रीज? सिंगापुर एक हो गया, मलेशिया, इस्लाम, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव। नहीं नहीं अरीब और कौन कौन से, मेरी बात सुने। औकात से बाहर कतर। कतर कतर कहाँ, औकात कहाँ। बस ये चार करने हैं। चार नहीं अरीब, कम अज कम 5 मुल्क तो होना है यार। तुमने इतनी जगह जाके क्या करना है अरीब? मैंने कम अज कम तो 5 जगह होनी चाहिए ना। मणि लेके जाता हूँ, नथिया लेके जाता हूँ, मैं तकरदू लेके जाता हूँ, एबटाबाद लेके जाता हूँ, और 5वीं तुम अपनी मर्जी से चूज कर लो। हाँ 5वीं मैं कहूँगी की मुझे कश्मीर ले जाओ। कश्मीर ले, ठीक है, चाइना बॉर्डर ले जाओ। मैंने पाकिस्तान अभी नहीं घूमना, पाकिस्तान मैंने घूमा हुआ पूरा, आके घूमेंगे इंशाल्लाह। हमने सोचा है की हम अपना जो वो है ना एंड करेंगे, उमरा करके आएंगे हम। तो मैंने भी जाना था साथ ही, मैं आपको कराऊंगी उम्रा डन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने सुना है कि जब पहला उम्रा इंसान लड़का करता है, मर्द करता है, तो उसको ट्रेनिंग करानी पड़ती है, लाजमी। तो फिर इसलिए हमने डिसाइड किया कि एंड में उम्रा करेंगे। नहीं वो तो खुशी खुशी कराऊंगा। हाँ। एक बार ही कि फिर बार-बार जाएंगे उम्रा करने, फिर हल्के से बाल करेंगे। इसको हाँ, इसको पता है, वो भी कारी साहब से पढ़ती है, प्रॉपर 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 पढ़ रही है वो भी। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, और एक आइलैंड हो गया मालदीव। मालदीव ये 5 मुल्क, और दुबई उसके अलावा, छठा। और उसके अलावा दुबई तो हमने न्यू ईयर देखने जाना ना। न्यू ईयर सबसे बेस्ट दुबई का ही होता है, उससे अच्छा किसी का होता है। मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ। अपने बाकी की कुछ चीजें लेने के लिए मैं आई हूँ अपने कमरे में। हाय मेरा ये कमरा, इन लोगों ने कुछ चेंजिंग की है इधर के? नहीं नहीं भाई, आलसी लोग हैं, क्या ही चेंज करेंगे। वैसे का वैसे मेरा ड्रेसिंग है, वैसे का वैसे मेरी पिक्चर्स है, वैसे की वैसे ये सब चीजें। चलें जी गाइस, हमारी प्लानिंग तो हो गई थी, लेकिन अब मैं अपने कमरे को खाली करने आई थी। आधी से ज्यादा चीजें मैंने ये देखी, अरीब साहब को पकड़ा दी है। उस घर में भी सामान पकड़ा के नीचे भी जाती है, यहाँ से उठा के वहाँ पे ट्रांसफर कराती है। शिफ्टिंग ऐसे होनी है। 2 साल यही करते रहना मैंने, है ना। हाँ यही करते रहना। सैनिक हो गई है तो अब सामान उठाओ फिर लेके जाना है। पता है मेरे ट्रिप पे जाना तो मेरे पास सामान होगा, पार्सल होंगे, चीजें होंगी, तभी कुछ कर पाऊंगी ना। चलो मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अपनी एक बुक भी लेके जानी है साथ में। चले जी मैंने अपना सारा सामान ले आई हूँ, और इन लोगों ने अन्नी डाली भी की है। तुम लोगों का सामान है, सारा मेरा सामान है। नजर आ रहा है तुम लोगों को? अपनी बहन को देख के मैंने ना तुम्हारे तन से ये जैकेट भी उतार लेनी जब तुमने कहा कि ये मेरा सामान है। आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मैं राबिया के लिए मैंने कहा था कि मैं जब जाऊंगी ना, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सारी चीजें राबिया के नाम करके जाऊंगी। कौन सी खड़ी थी जब मैंने ये बोला था और मेरे मुँह से निकल गया था। मैं निकलने लगी हूँ। खांसी वाली बहन साथ लेके जा रही है। साथ जा रही है तुम मेरे? चले तुम्हारे साथ। आप भी बाकी जो लेके जाओ ना, जाओ ये लाल वाले ले जाओ। चलो मैंने नहीं लेके जाओ। चलिए जी गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर अपने, और नींद से जो है वो इस वक्त बुरी हालत हो रही है। ट्रिप तो हो गया सारा डिसाइड। ये इन बुक्स में क्या है यार अरीब? इन बुक्स में ना नहीं है ये, क्या है इसके? ये डायरीज है एक हडल से, और आपको बताऊंगी इसमें एक बहुत खास चीज है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अरीब विद हिज मॉम, जो मैंने बनाई थी 24 मार्च 2022 पे। याद है? मुझे भेजी थी, मुझे याद है। बेसिकली ये पिक्चर है। हाँ ये इकरा ने मेरे लिए बनाई थी, मुझे अभी भी याद है। और मैंने इसको 2022 में बनाई थी मैंने। बड़ा इमोशनल हो गया था इसको देख के। ये दिस पिक्चर इज, तो स्केचिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल सेम टू सेम वो है। अम्मी की तो फोटो मैंने बिल्कुल डिट्टो बनाई है। आपकी ऊपर टाइमर शाइमर, आपकी वॉलपेपर, मैंने अरीब की वॉलपेपर से ये फोटो ली थी। और मुझे था कि ये मुझे थोड़ा सा मोटा बना दिया, लेकिन मेरी अम्मी आप मोटे हो गए हो। 2022 में मोटे नहीं थे। अभी देखे ये देखे मार्च 2020, और ये मैंने जिस वक्त बनाई थी मैंने ये सोच के, क्योंकि ये बहुत अच्छी पिक्चर है। मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। मेरी जान थी मेरी मम्मी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस हम लोग आ गए थे घर, और फाइनली हम लोगों के जो है वो कंट्रीज डिसाइड हो गए हैं। हम लोग कल जो है वो सारा वीज़ा शीज़ा और ट्रैवल एजेंट के पास जाके अपनी चीज़ें वगैरह करेंगे, जो हमने ट्रैवल करना है उसके लिए तैयारी करेंगे। हम लोग जो हैं वो दुबई के अलावा 5 कंट्रीज़ और घूम रहे हैं, लाइक सऊदी अरेबिया भी इंक्लूड, मतलब 5 न्यू कंट्रीज़ जिसको हमने पहले नहीं देखा हुआ। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे, और आप लोगों को मैं साथ ही लेके चलूँगी। परेशान आप लोगों ने बिल्कुल नहीं होना। तो मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपनी दुआओं में। बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।